topic is cell wall. Cell wall. Okay. आवाज क्लियर है सबको? डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? जैसे कोई भी कंफ्यूजन होगा, वीडियो क्लियर नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तो आप लोग यहाँ से पूछ लेना। ओके गाइस, जो सेल वॉल होता है जनरली इट इज प्रेजेंट इन बेसिकली प्लांट सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, द आउटर एनवलप इज कॉल्ड सेल वॉल। देखो जैसे अगर आप लोग जाओगे यू प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में अगर जाओगे तो गाइस प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको ये जो होगा सेकेंडरी एनवलप के फॉर्म में मिलता है। जो प्राइमरी एनवलप होता है बैक्टीरिया सेल में जाओगे ना तो सबसे फर्स्ट जो एनवलप मिलता है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल लेयर, ठीक है, ये कैप्सूल होता है। उसके बाद जो लेयर होता है मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल एनवलप जो होता है वो सेल वॉल का होता है, सेल वॉल। एंड जो लास्ट जो होता है थर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये थ्री एनवलप किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। बट यूकैरियोट्स में जब आओगे तो यूकैरियोट्स के सिर्फ प्लांट सेल में आपको ये मिलेगा सेल वॉल, प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो होता है ना, आउटर मोस्ट जो भी लेयर होता है वो क्या होता है आपका बेसिकली सेल वॉल का होता है। और सेल वॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर। सो यहाँ से हम लोगों को इसके इंपॉर्टेंस पढ़ना है, केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है, लेयर्स पढ़ना है, ठीक है। सो मेरे पास एक बुक है ऑल इन वंस का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे बुक्स है, सब में सेम ही है। Cell wall, it is present just below the glycocalyx made up of peptidoglycan. देखो, prokaryotic जो cell बनाया था ना, जो layer था prokaryotic का, first जो था वो capsule था, ठीक है, capsule. तो ये जो capsule layer होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को glycocalyx बोलते हैं guys. ये जो glycocalyx का word है, वो शायद आप लोगों ने 9 में पढ़ा है, जब हम लोग kingdom monera पढ़ते थे, तब वहाँ पे पढ़ते थे cell walls के बारे में. Glycocalyx इसके बाद जो layer होता है, वो क्या होता है? Cell wall. तो जो सेल वॉल है वो क्या बोल रहा है, देखो, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे होता है, ओके, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किंगडम जो मोनेरा होता है, ठीक है, किंगडम मोनेरा में जितने भी स्पीसीज होते हैं उन सारे स्पीसीज का जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बनता है, ओके? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल बन रहा है, ठीक है। प्लांट्स में जनरली ये अलग होता है, एनिमल्स के लिए अलग है, ठीक है। ये जो है किसके लिए? मोनेरा किंगडम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। एंड और म्यूरिन इन ऑल यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इट इज अ रिजिड एंड सॉलिड कवरिंग दैट गिव सेफ एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका, एक तो ये क्या हो गया, ये जो है आउटर मोस्ट इनवॉल्व है, इनवॉल्व, ठीक है। आउटर मोस्ट क्या है? ये इनवॉल्व है। एंड इट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकॉन का या फिर यूरिन का बनता है। प्लांट्स में आ जाओगे तो ये जो होगा ये आपका किसका बन जाएगा? यूरिन का, ओके। नेक्स्ट, ये केमिकल है ना यार, इन केमिकल इट इज अ रिजिड, ओके। क्या होता है ये? रिजिड होता है, मींस बहुत ज्यादा सीमेंट जैसा होता है ना, सीमेंट का अगर कोई दीवार होता है, वॉल जैसे, ये देखो ये जो वॉल है, ये जो जितना स्ट्रांग होता है वैसे ही स्ट्रांग क्या होता है आपका? सेल वॉल होता है। सो इट इज अ रिजिड and mostly rigid and solid covering, okay, rigid and solid covering, ये आपको point याद रखना, solid and rigid and क्या है? ये solid covering है जो basically एक cell का जो safe होता है उसको maintain करके रखता है। हमारे plants, हमारे body में ऐसा नहीं, हमारे body में जो है outermost क्या है guys? plasma membrane, plasma membrane की वजह से ये जो हमारी body है वो movable होती है, देखो, skin soft लग रही, but प्लांट्स में बैक्टीरियस का ऐसा कुछ नहीं। प्लांट्स का जो बॉडी स्किन होता है ना वो देखना, वो क्या होता है? रिजिड या तो सॉलिड कवरिंग का फॉर्म होता है, ओके।
फंक्शन सपोर्ट करने का काम करता है। ओके ये तो क्लियर है। अब इसके लेयर्स का फंक्शंस देखो, फंक्शंस तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अब इसके लेयर्स को देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स के क्या क्या लेयर्स होते हैं, ये कैसे कवरिंग करता है। ओके इतना आप लोग देख लो पहले। यस हाँ बेटा बोलो। अभी हम लोग बेसिकली प्रोकैरियोटिक जो है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनके सेल वॉल्स के बारे में बता रहा था ये। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली प्लांट्स के जो सेल वॉल्स है, सेल वॉल दोनों में सेम होता है, बट देख रहे हैं कि किसका कितना है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ अलग अलग, यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में सेल वॉल इन प्लांट्स, प्लांट्स का जो सेल वॉल होगा वो कैसे होगा देखो। पहले तो प्लांट सेल देख लो, जो आप लोग 8th क्लास 9th क्लास में बनाते आ रहे हो, आप कुछ ऐसा टाइप का सेल्स बनाते थे। ठीक है, किसका, प्लांट्स का। तो ये वाला जो रीजन होता था, ये वाला रीजन देखो, ये ऐसा रीजन बनाते थे आप लोग। ठीक है, ये वाला इतने को फुलफिल कर देते थे यहाँ तक। ओके ये तो ये जो है आपका सेल है, ये जो है आपका सेल वॉल, सेल वॉल। ओके तो ये जो सेल वॉल है गाइस, ये सेल वॉल, इसमें ये जो फॉर्म ऑफ दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये आपका सेल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट सेल है। ओके ये सेल नंबर सेकंड, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ नंबर का सेल। मतलब सेल टू सेल क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। सेल टू सेल क्या हुआ, एक दूसरे से ज्वाइंट हुए। तो जो ज्वाइंट हो रहा है, सेल एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहा है ना, वो तो किसकी हेल्प से होगा, प्लांट सेल सेल वॉल्स की हेल्प से होगा। ठीक है, अगर प्लांट सेल को मैं ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर में बना दूं ऐसा, तो आप लोग देखोगे ये जो सेल है और ये वाला जो सेल है, उसका एक लिंकिंग यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है। तो ये जो ज्वाइनिंग पार्ट है, ये क्या होगा, उसका सेल वॉल कहलाएगा ऑफिसली। तो क्या होगा, उसका सेल वॉल होगा गाइस। ठीक है, ये सेल वॉल होगा। तो ये जो सेल वॉल है, इसी को जूम इन करेंगे हम लोग। ठीक है, जूम करोगे और जूम करके फिर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे कि कितने लेयर्स का सेल वॉल फॉर्म होता है, कितने लेयर्स में सेल वॉल होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। जो बेसिकली क्या है, जो हमारा सेल है, उसके हर एक पार्ट्स को अच्छे से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से देखो। तो अब देखो जैसे ये वाला पार्ट्स है, इसको अगर आप लोग जूम करोगे, ठीक है, अब अगर इसको जूम करेंगे तो इसके सेल वॉल्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, थोड़ा सा अलग है। ओके तो देखो गाइस, एक सेल का आउटर लेयर बता रहा हूँ मैं, जैसे एक लेयर हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सागोनल ये सेल का शेप है। ओके देन ये जो पोर्शन है आउटर पोर्शन, ये वाला आउटर पोर्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल वॉल को मैं क्या किया, थोड़ा सा जूम कर दिया। जूम करके उसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, शो कर रहा हूँ। देखो इसका नेम इंटर वो कर रहा हूँ, ये जो सेल, ये फर्स्ट सेल होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसा सेल का क्या हो गया, एक लेयर फॉर्म हो गया। ये वाला जो फॉर्म है इसको मैं बता देता हूँ, ये मिडिल लेवल का फॉर्म होगा। ठीक है, ओके सो गाइस देखो मिडिल लेवल का क्या है, इट इज लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो आपका मिडिल लेवल है, ये किसका बनता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। चलो भाई हाईलाइट कर लो और नोट डाउन कर लो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का केमिकल कंपोजिशन होता है मिडिल लेवल। ओके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो पैक्टेट इट सीमेंट्स
इट सीमेंट्स द सेल वॉल्स ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स टुगेदर। ये जो होता है एक सीमेंटिंग लिंक होता है, ये देखो ये जो है वो क्या है, एक सीमेंटिंग लिंक है जो दो सेल्स को ज्वाइन करता है। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिडल लैमेला कर रहा है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, सीमेंटिंग ज्वाइंट होगा जो दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है। ओके, फर्स्ट इंटरेक्शन है इनके बीच। एंड इट इज अब्सेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ सरफेस सेल्स मिडल लैमेला अलोंग विद अ सेल वॉल ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। देखो ये जो है सिर्फ कहां पे रहता है, सेंटर पार्ट में होता है, बट जो सेल्स का आउटर पोर्शन हो गया, जैसे ये इसका इनर पोर्शन और ये इसका इनर पोर्शन, तो यहां तक ये सेल वॉल नहीं रहता, मिडल लैमेला सिर्फ जॉइनिंग के लिए होता है। अदरवाइज जो बाकी जो है ना, वहां पे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स जो होते हैं वहां पे उनका फंक्शन रहता है। ठीक है, केमिकल नेम इंपॉर्टेंट होता है मिडल लैमेला का, वो याद रखना, जितने भी सेल वॉल है सबका केमिकल नेम इंपॉर्टेंट होगा। देन वी आर डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या है भाई, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये वाला लेयर ना, ये वाला, ये आपका जो लेयर है ये क्या है, प्राइमरी सेल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है वो देखो, अब जस्ट आप लोग तो सिंपल लिख सकते हो, प्राइमरी सेल वॉल जस्ट बिलो द मिडल लैमेला। ओके, इतना तो आप इजीली वो कर सकते हो, आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स में भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, आपको बस इसको याद रखना, मेमोराइज करके रखना। इट इज प्रोड्यूस इनर टू द मिडल लैमेला इन अ यंग एंड ग्रोइंग सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो प्राइमरी सेल होता है वो सिर्फ उन पे ही ग्रो करता है जो यंग और ग्रोइंग सेल्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स ट्रीज होते हैं वो सब के सब यंग और क्या होते हैं, ग्रोइंग सेल्स होते हैं। तो ये सब में बनेगा, प्राइमरी जो सेल वॉल है वो सब में बनेगा। ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के सब में बनने वाला है। एंड ओके, एंड इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। चलो ये इसका मिल गया पॉइंट, ये ग्रोथ एंड एक्सटेंशन, ये ग्रोथ एंड एक्सटेंशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ और एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड एक्सटेंशन इसका एक पॉइंट एड कर दो इस पे। एंड इट टेंड टू डिमिनिश ग्रेजुअली एज द सेल अटेन्स मैच्योरिटी। ओके, ये जो होता है बहुत ज्यादा डिमिनिश हो जाता है, हार्ड हो सकता है जब जो सेल है, जो आपका प्लांट है वो क्या हो जाए, एज अ मैच्योर एज में आ जाए। मैच्योर एज समझ रहे हो, मतलब जब वो पूरी तरह से प्लांट्स बन जाता है। तो देखो जब सिंपल कोई भी प्लांट्स होता है तो उस टाइम क्या होता है, वो बेसिकली छोटा सा प्लांट बनता है, उसका जो स्टेम होता है वो जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो एक्सटेंशन होता है उनमें, एयर अगर फ्लो करोगे तो क्या होता है, इजिली क्या होता है, अपना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, झुक सकता है। बट जब वही चीज मैच्योर हो जाती है तो देखना उसका आउटर जो लेयर होता है, परमानेंट टिश्यूज जो होती है वो क्या होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में वो हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, और फिर वो क्या होता है, परमानेंटली अपने आप को स्टेबल बना लेता है। फिर वो हिलता डुलता है क्या उसका स्टेम, नहीं, तो वहां पे परमानेंटली फॉर्म हो जाता है। सेकेंडरी जो प्राइमरी जो सेल वॉल है वहां पर भी वो क्या हो जाता है, हार्ड फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी फॉर्म आ जाओ, मतलब कि आपका आउटर मिडल और इनर ये तीनों मिला के एक लेयर बनाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल कैसा होगा, देखो द थिक, ऑब्वियसली देखो भाई कितना लेयर है, तीन लेयर है, तीन लेयर है, मतलब ये तो थिक होगा ही होगा। ठीक है, थिक लेयर है ये, चलो एक पॉइंट हाईलाइट कर लो, थिक लेयर। ओके, इट इज थिक वॉल इज फ्रॉम इनर टुवर्ड मेम्ब्रेन टू द प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो काफी क्या होता है, मोटा होता है कंपेयर टू द प्राइमरी एंड मिडल लैमेला। ओके, एंड एज द सेल गेट्स फुल्ली मैच्योर्ड इट कंपोजिशन इज सिमिलर टू द प्राइमरी वॉल। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल है ना उसके कंपेयर में ही इसका क्या होता है, सेम होता है, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन प्राइमरी वॉल के साथ सेम रहता है। ये तभी दिखता है, सेकेंडरी सेल वॉल तभी बनता है जब कोई भी प्लांट क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अनमैच्योर प्लांट्स में या अनमैच्योर ट्रीज में जनरली ये दिखता नहीं, हालांकि अनमैच्योर प्लांट्स ही बोलना चाहिए क्योंकि ट्रीज जो होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, मैच्योर होती है। ओके, तो मैच्योर प्लांट्स में ही मिलेगा ये, मैच्योर प्लांट्स में एंड ट्रीज में। ओके, तो ये आपका हो गया एक पॉइंट। अच्छा, इसका केमिकल कंपोजिशन मैं अभी बता दूंगा थोड़े टाइम बाद। ओके, सेकेंडरी सेल वॉल का ये हो गया। एंड फंक्शन देखो, फंक्शन क्या क्या है, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प टू प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट शेप।
ये जो होता है प्लांट्स को क्या करता है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनेट सब समझ रहे हो ना। जैसे कि आपका जितने भी क्या होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे ये इसका क्या डेफिनेट शेप है, इसको मैं चाहे इसको प्रेस कर दूं या कुछ भी करूं, ये पुश करूं, ये इसका शेप चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द देयर लेयर्स। ओके नेक्स्ट, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्मा अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजुरीज। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्मा भी समझते हो, देखो प्रोटोप्लाज्मा जो होता है मेन प्लाज्मा होता है आपके सेल्स का, प्रोटोप्लाज्मा। इट इज कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। मीन्स क्या, मीन्स आपका जो मेन सेल होता है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स है, मेन कंपाउंड्स है, एक तो सेल साइटोप्लाज्म में रहेगा और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है, जो सेल है, सेल वॉल है, वो प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है, बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, इंजुरीज से बचाता है ताकि ये डैमेज ना हो सके, ठीक है। अगर ये हार्ड मटेरियल जो सीमेंटिंग लेयर्स है, ठीक है, सीमेंट लाइक लेयर्स है, अगर ये सेल वॉल ही ब्रेक हो जाए तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इजिली क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये देखो ये जो सेल वॉल है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन दे रहा है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ ज्वाइन करके रख रहा है। ओके तो सेल टू सेल इंटरेक्शन देता है। इट इज प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड अटैक ऑफ पैथोजन। ये पैथोजन्स यानी कि कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके लिए, और जो माइक्रो क्या है मॉलिक्यूल्स है, जैसे फैटी एसिड हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, जो अनरिक्वायर्ड है, अनवांटेड है, उनको क्या करता है अंदर जाने से रोकता है। अगर ये बॉडी के बाहर, यानी सॉरी, अगर ये सेल के अंदर जाना चाहे, कोई भी वायरस अंदर जाना चाहे, उसको सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको सेल वॉल को, और सेल वॉल को ब्रेक करना काफी हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए प्लांट्स में इंफेक्शन जो होता है वो थोड़े बहुत, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। आप उसको इजिली क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमारी बॉडी में इंफेक्शन इजिली हो सकता है क्योंकि हमारे में सिर्फ प्लांट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट इनके पास डबल प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। ओके तो ये जो है गाइस, ये आपका ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में हो गया आपका सेल वॉल। अच्छा, इसके बाद इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन में जैसे प्राइमरी सेल वॉल जो था उसमें आप देखो, प्राइमरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ लूप नेटवर्क फॉर्म ऑफ पेक्टेज सेलुलोज हेमिसेल। ओके तो प्राइमरी जो सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल में ऐड करो आप प्राइमरी सेल वॉल, इसमें क्या आएगा, पेक्टेड पेक्टेड सेलुलोज। ओके पैक्टेड सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। ओके तो ये केमिकल्स है ना, ये केमिकल्स किसको बनाता है, प्राइमरी सेल वॉल को बनाता है। और प्राइमरी सेल वॉल जैसा ही क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है, बट ये तभी बनता है जब वो मैच्योर क्या हो, प्लांट हो या तो ट्री हो। ओके सेकेंडरी सेल वॉल का बिल्कुल क्या होगा, फिक्स होगा। अच्छा टर्शियरी सेल वॉल जो होता है वो जनरली बहुत ज्यादा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ना, बस उनमें बनता है जिम्नोस्पर्म्स। जैसे मैं तुम लोग, आप लोगों को बता दिया, मैंगोज हो गया, ठीक है, जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उनका जो सेल वॉल होता है उनमें टर्सरी फॉर्म यानी कि हायरली प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि टर्सरी वॉल भी फॉर्म हो जाती है। ये कुछ नहीं है, सेल्स के अंदर जो अनवांटेड केमिकल्स होती है, ठीक है, उनको जनरली बॉडी बाहर फेंकना स्टार्ट कर देती है, और बाहर फेंकने की वजह से वो एक लेयर फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे 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 क्या होता है, वो लेयर ऊपर जाके एक लेयर फॉर्म करती है और फिर वही सेल वॉल बनाना स्टार्ट करती है। तो प्लांट जितना ज्यादा क्या होगा, मैच्योर होगा, वो उतना ही ज्यादा हार्ड मटेरियल क्या कर सकता है, अपना बना सकता है, और फिर वही क्या करेगा, अपना अलग से फंक्शन करेगा। ओके तो ये जो टोटल है वो सेल्स के बारे में, सेल वॉल के बारे में।